नेक्स्ट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो जब भी हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स की तो सीधी सी बात होगी भाई, हम ग्राफ बनाना चाहते हैं वी और आई का भी, चेक करना चाहते हैं कि आई और वी में क्या रिलेशन आएगा भी। कर लोगे? तो दो तरह की होती हैं भाई। फर्स्ट लिखिए फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स भी, फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स लिखिए भी। क्या होता है लिख दिया, लिखो इट इज द ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड करंट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज। इट इज द ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड करंट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है, तो देखिए अभी आपको V और I का ग्राफ बनाना है। अभी इस टॉपिक की मेन चीज है ग्राफ और उसका डायग्राम भी। ठीक है, हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, इसको जोड़ना है फॉरवर्ड के अंदर भी। तो कैसे जोड़ेंगे? पी को जोड़ेंगे बैटरी के पॉजिटिव के साथ, एन को जोड़ेंगे बैटरी के नेगेटिव के साथ। यस सर? नो? ये वोल्टेज चेंज कर लेनी है तो क्या कर लें इसको, वी टेक वेरिएबल वोल्टेज। ठीक है, और मापने के लिए क्या लगाते हैं? वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर, करंट मापने के लिए एमीटर्स। तो यहां पे लगा लेते हैं एक एमीटर भी, सीरीज में लगता है, मिली एमीटर लगा देते हैं। ठीक है, और यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक वोल्ट मीटर। यस और नो? दिस इज द फॉरवर्ड डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी। ओके, अब क्या करोगे आप लोग, यहां से वोल्टेज चेंज करोगे और दोनों रीडिंग चेक करोगे कितनी आई है। तो वहां से क्या बनना है, एक ग्राफ बनना है। यस और नो? तो ग्राफ का शेप कैसा रहना है? अभी ये एक्सपेरिमेंट है भी आपका प्लस टू का भी, एक तरफ आई है एक तरफ बी है भी। ये भी ग्राफ के पॉइंट लिखते हैं। इस कंडीशंस में क्या होना है, आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा घटेगा, जो भी वैल्यू आएगी। टेबल बनाई इन्होंने, टेबल के हिसाब से क्या बनाया, ग्राफ बनाया भी। ठीक है, अब ग्राफ में क्या क्या दिख रहा है, पहला पॉइंट डालिए, फर्स्ट पॉइंट ग्राफ, पहला पॉइंट लिखिए ग्राफ डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ग्राफ डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, पहला पॉइंट दिख रहा है कि ग्राफ जीरो शुरू नहीं हो रहा, यह वोल्टेज है 0.7 वोल्ट। ठीक है, क्यों नहीं शुरू हो रहा जीरो से, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड के अंदर एक पोटेंशियल बैरियर बनता है अभी। जब तक आप बैरियर को नहीं तोड़ोगे जब तक करंट फ्लो नहीं कर सकता अभी। यस और नो? तो कम से कम से अगर सिलिकॉन का यूज करते हैं हम लोग तो कम से कम 0.7 वोल्ट तो हो अप्लाई करना पड़ेगा आपको उस ब्रेक को, उसको ब्रेक करने के लिए। और उसके आगे जब अप्लाई करोगे तब जाके करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी भी। यस और नो? तो क्या होगा, पहले तो जब आप इसको वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो क्या हो रहा है, साइज ऑफ लेयर क्या हो रही है, घट रही है, फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर है। तो पहले करंट की वैल्यू कम फ्लो करेगी, फिर एकदम साइज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा फ्लो कर जाएगी। या सर नो? तो पहला पॉइंट था ग्राफ जीरो शुरू नहीं हो रहा, क्यों? तो लिख लीजिए कि ये लिखा था पहला, ग्राफ डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो बिकॉज पीएन जंक्शन डायोड, बिकॉज पीएन जंक्शन डायोड हैव, पीएन जंक्शन डायोड हैव पोटेंशियल बैरियर भी, पीएन जंक्शन डायोड हैव पोटेंशियल बैरियर। समझ में आ रहा है? सेकंड पॉइंट डालिए, सेकंड पॉइंट में करंट इंक्रीज रिपीडली विद वोल्टेज भी, करंट इंक्रीज रिपीडली विद वोल्टेज। आगे अब करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है अभी। करंट इंक्रीज रिपीडली विद वोल्टेज बिकॉज साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर, साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर स्टार्ट डिक्रीज भी, साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर स्टार्ट डिक्रीज। ओके, अब साइज क्या हो रहा, लगातार कम हो रहा है अभी। यस और नो? आगे लिखिए थर्ड पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज
करंट इंक्रीज, इसमें लिखेंगे करंट इंक्रीज रिपीडली, करंट इंक्रीज रिपीडली एंड शो द लीनियर वेरिएशन। ऐसा लगता है कि खास वोल्टेज के बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना शुरू हो गया अभी। शो द लीनियर वेरिएशन, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज, KNEE। ठीक है, क्या नाम है इस वोल्टेज का? नी वोल्टेज। मतलब आपको ये बताता है ये वोल्टेज भी, देखो ये वोल्टेज होता है आपको कि आपकी डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो चुकी है अभी, तो ये वी की क्या है? नी वोल्टेज। कर लोगे? Yes, समझ में आ रहा है? वी क्लास। सेकेंड पॉइंट इज रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स भी। रिवर्स में क्या होता है, देखिए हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है तो क्या करेंगे, पी को कहाँ जोड़ेंगे बताइए? पी जुड़ेगा लो पोटेंशियल के साथ ऑफ द बैटरी, यस सर नो? एन जुड़ेगा हाई पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, इसको बोलते हैं रिवर्स। इसमें भी क्या करना है आपको, करंट में अपना है और वोल्टेज में अपनी है। करंट में अपने के लिए माइक्रो लगाना पड़ेगा, करंट कम होता है, माइनॉरिटी को जैसे फॉलो करता है भाई, माइक्रोमीटर। ठीक है, जुड़ गया। वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर, जो हमेशा कहाँ लगता है, पैरेलल में लगता है। अरे ये बैटरी क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, यस और नो? तो एक बार लिखिए रिवर्स में क्या होता है, लिखियो भाई। इट इज द ग्राफ बिटवीन रिवर्स करंट एंड रिवर्स वोल्टेज भी। इट इज द ग्राफ बिटवीन रिवर्स करंट एंड रिवर्स वोल्टेज। किसके बीच का ग्राफ है ये? रिवर्स वोल्टेज एंड ए रिवर्स करंट का। तो ग्राफ का शेप कैसा रहना है, देखिए यहाँ पे आई दिखा रहा हूँ भाई, इसका रीजन दे दूंगा आपको मैं, ऐसा क्यों बनाया मैंने इसको, कोई जरूरत तो नहीं है बनाने की ऐसे, लेकिन ऐसा बनाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ शुरू होना है ऐसे, अभी पहले करंट की वैल्यू बहुत कम बढ़ेगी, फिर एकदम से बढ़ जाएगी। ठीक है, ये जो पॉइंट है देखिए, यहाँ तक करंट क्या हो रहा है, बहुत कम फ्लो कर रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी की वजह से फ्लो कर रहा है अभी, माइनॉरिटी बहुत कम है। और एक टाइम के एकदम से क्या हुआ, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर गई भी, मतलब ये बताता है आपकी लेयर टूट चुकी है अभी। टूटने से क्या हो गया, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज क्या हो गया, फ्री हो गया चलने के लिए। एकदम से करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। इस वोल्टेज को नाम दिया गया भाई, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं इसको, वी वे से लिखेंगे इसको, ब्रेक डाउन वोल्टेज। डायग्राम बनाइए, तो लिखिए ग्राफ के बारे में लिखिए थोड़ा सा। पहला पॉइंट तो लिख लीजिए, पहला पॉइंट भी विद इंक्रीजिंग द, पहला पॉइंट है विद इंक्रीजिंग द रिवर्स वोल्टेज, विद इंक्रीजिंग द रिवर्स वोल्टेज स्मॉल रिवर्स करंट इंक्रीज भी। विद इंक्रीजिंग द रिवर्स वोल्टेज स्मॉल रिवर्स करंट इंक्रीज। स्मॉल क्यों कर रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी वजह से फॉलो करता है। लिख लीजिए बिकॉज करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वे, करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, समझ में आ रहा भी? सेकेंड पॉइंट डालिए, सेकेंड पॉइंट एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज करंट फ्लो, ऐसे लिखिए एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज करंट इंक्रीज स्ट्रांगली। बुक में वर्ड यूज किया गया है विग्रेसली, अच्छी बुक में लिखा होता है एवलेंचिक ब्रेकडाउन्स, इतना बड़े वर्ड जो तो नहीं है, करंट इंक्रीज स्ट्रांगली। ठीक है, अब देखो वोल्टेज में हल्का चेंज किया आप लोगों ने, और करंट की वैल्यू क्या होगी, एकदम से इंक्रीज होगी।
क्या अभी भी ये वोल्टेज क्या है, कम ही तो है पहले से, यस और नो? करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या होगा, करंट की वैल्यू कम इंक्रीज हो रही है, यस और नो? फिर क्या हुआ, एकदम से क्या हो गया, टूट गया जो कॉम्बिनेशन था इलेक्ट्रॉन होल्स का, वो क्या उसका अलग हो चुका है। तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो गए, फ्री हो गए चलने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया, अभी कर लोगे, दिस इज अ रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी। चलो लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टिफायर, राइट कीजिए। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन कन्वर्ट एसी करंट और वोल्टेज इंटू डीसी करंट और वोल्टेज। ये वो डिवाइस है भाई जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देगा, या एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड भी। कैसे, पीएन जंक्शन डायोड को यूज करके हम क्या करते हैं, एक डिवाइस तैयार करते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। कर लोगे, इसी में लिखिएगा। टाइप्स क्या होते हैं इसके, दो तरह का होता है अभी रेक्टिफायर। फर्स्ट है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। वीडियो ऑन हो चुकी है, हाफ वेव रेक्टिफायर। सेकंड है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। दो टाइप का है हमारे सिलेबस में, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। बताऊंगा क्या होते हैं अभी, इतना डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में अभी। समझ में आया? अब करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है अभी, लिखिए ना ये भी नहीं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल भी, प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर क्या है अभी, ठीक है। ये दो पॉइंट पे डिपेंड करता है भाई, लिख लीजिए। पहला पॉइंट, इट वर्कड ऑन द, पहला पॉइंट है इट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, क्या होता बताएंगे अभी, म्यूचुअल इंडक्शन। सेकेंड पॉइंट डालिए इसका, लिखिए नेग्लिजिबल करंट फ्लो, नेग्लिजिबल करंट फ्लो इन द रिवर्स बायस भी, नेग्लिजिबल करंट फ्लो इन द रिवर्स बायस। रिवर्स बायसिंग में करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, माइनॉरिटी की वजह से फ्लो करता है अभी, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नेग्लिजिबल। यहाँ पे आप जीरो लेकर चलते हैं उसको, कर पाओगे? फर्स्ट पॉइंट है हाफ वेव रेक्टिफायर भी, इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। तो देखिए डायग्राम में क्या क्या होती है, एक क्वाइल लगी होती है भाई, बताऊंगा क्या चीज़ है ये। ये क्वाइल जुड़ी हुई है विद एसी सोर्स भी, दिस इज सिंबल ऑफ एसी सोर्स भी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा है एसी सोर्स, जिसको आपको कन्वर्ट करना है डीसी के अंदर भी, ठीक है। इस क्वाइल को बोलते हैं प्राइमरी क्वाइल, पी वन पी टू, और यहाँ पे शील्डिंग लगी होती है, इंसुलेशन है ये, ये सेकेंडरी क्वाइल है भाई, इट इज एस वन एस टू। ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम है ट्रांसफार्मर का भी, यूनिट नंबर फोर में पढ़ोगे इसको। ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्या होता है, ऐसा डिवाइस है जो करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सके, वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सके। इसमें क्या होता है, जो अगर ये सेकेंडरी क्वाइल के टर्न्स हैं, ये प्राइमरी से ज़्यादा हों, इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो वैल्यू को इंक्रीज करता है। अगर सेकेंडरी के टर्न्स प्राइमरी से कम हों, तो ये वोल्टेज को घटाता है या करंट को घटाता है भी, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस अरेंजमेंट किसका है, ट्रांसफार्मर है भी, कोई जरूरत नहीं स्कीम को भी, अब सिर्फ इतना करना है यहाँ पे वोल्टेज को क्या करना है, डिक्रीज करना है। कर पाओगे? यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने एक डायोड, इसके फंक्शनिंग है डायोड की, पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, आउटपुट ले लेंगे भी,
इस पॉइंट से आउटपुट में से एक रेजिस्टेंस के थ्रू ली जाती है अभी, जिससे आउटपुट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, जो कि पैरेलल में लगा होता है। अगर कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा होता है तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल से। ये मेरी मर्जी है मैं कितना वोल्ट का लगाऊं, सॉरी कितने ओम का लगाऊं। अगर मैं इसको 5 ओम का लगा दिया तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 से भी कम हो जाएगा अभी। तो डिपेंड करता है जितना कम रेजिस्टेंस लगाऊंगा उतना में भी वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो याद रखिए हमेशा आउटपुट एक रेजिस्टेंस के थ्रू ली जाती है, इसका नाम क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। सिंपल इट इज आर एल, डायोड डी है, ये पी टाइप है ये एंड का, और यहां से लेते हैं हम आउटपुट को भी। ठीक है, जिसे सिंपल डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर भी डायग्राम बनाइए। देखो यहाँ पे हमने एसी सोर्स जोड़ा है, पक्की बात एसी देगा ये करंट या वोल्टेज, कर पाओगे? तो यहाँ पे मान लेते हैं मेरा इनपुट सिग्नल है, अभी ये इनपुट है, किस तरह की होती इनपुट एसी, ये शेप होती है एसी की, आप ऐसे बनाते हो, यस और नो, दिस इज इनपुट, इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। खासियत क्या है एसी का, हर एक हाफ साइकिल के बाद क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, यस और नो। तो यहाँ पे हमको लेना है आउटपुट भी, हम चेक करते हैं इस इनपुट के अकॉर्डिंग मेरी आउटपुट क्या आएगी भी, ये आउटपुट आपकी। देखिए हर एक हाफ साइकिल के लिए चेक करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आया भी, मतलब करंट तो फॉलो कर रहा है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है इसकी, ऐसे फॉलो करेगा या ऐसे फॉलो करेगा, कोई तो डायरेक्शन हो सकती है अभी, तो आपकी मर्जी है कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हो करंट ऐसे फॉलो कर रहा है, तो करंट वैसे फॉलो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के ऊपर, ये हाई पोटेंशियल होगा P2 का पॉइंट, ये क्या होगा लो पोटेंशियल, कर लोगे, करंट चेंज हो रहा है मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। तो इसके पास एक कॉइल रखी गई है, इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और इसमें क्या बनेगा, एक इंड्यूस करंट बनेगा, यस और नो। वो करंट जो लेंज क्या बोलता है, लेंज ला क्या बोलता है, इस तरह से बनता है कि अपनी ही प्रोडक्शन को क्या करता है, अपोज करता है, ये लेंज ला का पॉइंट है अभी, कि इंड्यूस करंट इस तरीके से बनता है कि अपनी ही प्रोडक्शन को क्या करता हो, अपोज करता, मतलब इसके उल्टा बन रहा होगा। अगर ये ऐसे फ्लो करता है तो वो कैसे फ्लो कर रहा होगा, उसके उल्टा फ्लो कर रहा होगा, तो ये क्या होगा इसका हाई पोटेंशियल, ये क्या होगा इसका लो पोटेंशियल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं करंट बाय इंडक्शन, दो तरह के होते हैं सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल में क्या होता है, दो क्वाइल यूज की जाती हैं अभी, कर लोगे, सेल्फ में एक सिंगल क्वाइल की वजह से होता सारा काम, कर पाओगे। अब देखिए ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ है पी के साथ में और नेगेटिव जुड़ा हुआ है एन के साथ, सही लिखा है, तो डायोड फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में है, फॉरवर्ड में है, तो पक्की बात है करंट फ्लो करेगा अभी यहाँ से, तो आउटपुट में क्या मिलेगा मेरे को, करंट मिलेगा, ये मिल गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्या हुआ, सेकेंड हाफ साइकिल आया होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल्स, इसमें क्या होता है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, पहले अगर ऐसे फॉलो कर रहा था अब कैसे फॉलो कर रहा होगा, ऐसे, ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, ये क्या बन जाएगा नेगेटिव, तो सेम तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा, इंड्यूस करंट बनेगा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, उसके उल्टा बनेगा। अब की बार डायोड किस में आ गया, रिवर्स बायसिंग में आ गया, हमने क्या बोला रिवर्स बायसिंग में करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो इस सेक्शन के लिए आउटपुट क्या मिलेगी मेरे को, जीरो, समझ में आया बात। अब सेकेंड हाफ, नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा, अगेन पी वन बिकेम नेगेटिव, पी टू बिकेम पॉजिटिव, एस वन बिकेम पॉजिटिव, एस टू बिकेम नेगेटिव, डायोड किस में आएगा, अगेन फॉरवर्ड बायसिंग में, फिर करंट फ्लो करेगा, आउटपुट मिलेगी। नेक्स्ट हाफ के लिए फिर जीरो, तो मेरे को क्या मिल रहा है आउटपुट में, सिर्फ हाफ वेव मिल रही है अभी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर भी। समझ में आया कि नहीं आया, डायग्राम बनाइएगा, पहला इसमें लिखिए, इसके बाद वर्किंग कराते हैं इसका, लिखिए फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल भी, इसके लिए करते हैं पहले, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल लेट पी वन इज नेगेटिव, P2 is positive. P1 is negative, P2 is positive. नेगेटिव, पी टू इज पॉजिटिव, ये चार्ज नहीं है पोटेंशियल है अभी, ओके, पी वन इज नेगेटिव, पी टू इज पॉजिटिव, कर पाओगे। ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन, कौन सी इंडक्शन है ये, म्यूचुअल इंडक्शन भी, सिर्फ नाम लिखिए अभी, तो ड्यू टू इंडक्शन एस वन इज पॉजिटिव,
एंड एस टू इज नेगेटिव, एस वन इज पॉजिटिव एंड एस टू इज नेगेटिव, सो डायोड इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग भी, सो डायोड इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग एंड करंट फ्लो इन द सर्किट, करंट फ्लो इन द सर्किट एंड वी ऑब्टेन्ड आउटपुट भी, करंट फ्लो इन द सर्किट एंड वी ऑब्टेन आउटपुट। कर पाओगे? ये हो गया फोर पॉजिटिव हाफ साइकिल्स के लिए भी। अब नेक्स्ट पैरम लिखिएगा फोर नेगेटिव हाफ साइकिल भी, इसके लिए करते हैं अभी फोर नेगेटिव हाफ साइकिल। अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। लिखिए फोर नेगेटिव हाफ साइकिल, पी वन बिकेम पॉजिटिव, पी टू बिकेम नेगेटिव, पी वन बिकेम पॉजिटिव, पी टू बिकेम नेगेटिव। पी वन पॉजिटिव हो जाएगा, पी टू नेगेटिव हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टी हो चुकी है। आगे लिखिए ड्यू टू इंडक्शन एस वन बिकेम नेगेटिव, एस टू बिकेम पॉजिटिव, ड्यू टू इंडक्शन एस वन बिकेम नेगेटिव, एस टू बिकेम पॉजिटिव एंड डायोड इज इन रिवर्स बाइसिंग भी, डायोड इज इन रिवर्स बाइसिंग। किस में रहेगा डायोड? रिवर्स बाइसिंग में रहेगा, ठीक है। एंड नो करंट फ्लो इन द सर्किट भी, नो करंट फ्लो इन द सर्किट। वी ऑब्टेन्ड जीरो आउटपुट भी, वी ऑब्टेन्ड जीरो आउटपुट। ओके, कर पाओगे? अब क्या लिखोगे? These steps are repeat again and we obtain half wave as output. Complete? Second topic डालिए full wave rectifier भी, full wave rectifier. वही चीजें हैं सारी। First coil होगी, name is primary coil भी, जो कि जुड़ा होगा विद एसी सोर्स, ये है एसी सोर्स भी, क्वाइल है पी वन पी टू, ठीक है। उसके बाद शील्डिंग लगी होगी, ये है सेकेंडरी क्वाइल, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी, ठीक है। ये एस वन है, ये कौन सा है? एस टू, ये वोल्टेज को कम करेगा। कर पाओगे? अब की बार क्या करते हैं, देखिए अब की बार हम क्या करते हैं, दो डायोड यूज करते हैं अभी फुल वेव बनाने के लिए, दो डायोड, एक डायोड यहां पे लगा दिया, एक यहां पे लगाया और इन दोनों को मिला दिया यहां से भी, ठीक है। अगर आपने ट्रांसफार्मर देखा हो रेडियो का, एक तरफ दो वायर होती है, एक तरफ तीन वायर भी होती है, दो वायर होती है इनपुट के लिए, तीन वायर होती है आउटपुट के लिए भी। खंभे पे देखा तीन फेज आते हैं अभी, तीन वायर्स आउटपुट के लिए, एक यहां पे जोड़ दिया, एक यहां पे जोड़ दिया, ओके। एक यहां से होती है अभी, यहां पे जोड़ दिया विद रेजिस्टेंस भी, आरएल भी, यहां से लेंगे आउटपुट, ये होगी आउटपुट भी। डायोड डी वन, डायोड डी टू, डायग्राम भी आउटपुट चेक करेंगे भी इसकी, यहां पे है आउटपुट भी, वही हर एक हाफ साइकिल्स के लिए चेक की जाएगी। देखो भाई आउटपुट में चेक करो दोबारा, डायग्राम बना चुके हो, सिग्नल आया भाई, इनपुट सिग्नल्स, पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, कौन डायरेक्शन करंट की होगी, यानी करंट तो फॉलो कर रहा है, सीधी सी बात है भाई, वही मान लेते हैं करंट ऐसे फॉलो कर रहा है भाई,
ये क्या बन जाएगा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, ये क्या बन जाएगा नेगेटिव से। कर पाओगे? इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, करंट बनेगा। ये क्या बनेगा पॉजिटिव, ये क्या बनेगा नेगेटिव से। पॉजिटिव जुड़ा हुआ है पी के साथ भी ऑफ डी वन, नेगेटिव जुड़ा हुआ है विद पी ऑफ डायोड डी टू। तो डी वन किस में आ गया, फॉरवर्ड बाइसिंग में। डी टू किस में आ गया, रिवर्स बाइसिंग में। यस सर नो? तो इसकी वजह से कोई करंट, इसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कर लोगे? तो इसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो करंट ऐसे जा रहा है मान लेते हैं, तो ऐसे फ्लो करेगा, तो कुछ है नहीं। तो ऐसे करंट जाता हुआ ऐसे जाएगा भाई, तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। यस सर नो? तो इसके लिए मेरे को क्या मिलेगा, आउटपुट। कर पाओगे? अब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा चेंज। ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। इंडक्शन की वजह से नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। तो डी वन किस में आ जाएगा, रिवर्स बाइसिंग में। डी टू किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। ये काम नहीं कर रहा, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी। आउटपुट चेक करो, डायरेक्शन वही आ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसकी आउटपुट चेक करोगे तो क्या मिलेगा, वही डायरेक्शन जो पहले की आई है। नीचे नहीं आएगा, वही डीसी डायरेक्शन में करंट आ रहा है। कर पाओगे? नेक्स्ट के लिए फिर ऊपर नीचे, इसके लिए डायरेक्शन करंट चेंज नहीं हो रही भाई। तो किसकी प्रॉपर्टी है ये, डीसी की प्रॉपर्टी। कर पाओगे? अब तो पूरा डीसी नहीं बन पाया है, कुछ है इसके अंदर ऐसे कंपोनेंट, कैसे करेंगे बताएंगे आपको। डायग्राम पूरा कर दीजिए दोनों पर। लिखो भाई, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल भी, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल लेट पी वन इज नेगेटिव, पी टू इज पॉजिटिव। पी वन इज नेगेटिव, पी टू इज पॉजिटिव। कर लोगे? आगे लिखिए, ड्यू टू इंडक्शन एस वन इज पॉजिटिव, एस टू इज नेगेटिव। ड्यू टू इंडक्शन एस वन इज पॉजिटिव एंड एस टू इज नेगेटिव। ओके, सो डायोड डी वन, सो डायोड डी वन इज इन फॉरवर्ड बायस। Diode D1 is in forward bias and D2 is in reverse bias. D2 is in reverse bias. Okay, D1 forward में हो गया, D2 किस में हो गया, reverse में भी। So current flow in the circuit. So current flow in the circuit due to forward biasing V. And we obtained output V. We obtain output. कर पाओगे? अब next param लिखिएगा, next param लिखिए, for negative half cycle V. नेक्स्ट पैरा में लिखिए, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल पी वन बिकेम पॉजिटिव एंड पी टू बिकेम नेगेटिव। पी वन बिकेम पॉजिटिव एंड पी टू बिकेम नेगेटिव। सो एस वन बिकेम नेगेटिव, एस टू बिकेम पॉजिटिव। सो S1 became negative, S2 became positive. Okay? So diode D1 is in reverse biasing. Diode D1 is in reverse biasing and diode D2 is in forward biasing.
diode D2 is in forward biasing. So current flow in the same direction, through load resistance RL, load resistance RL due to diode D2. ओके आगे लिखिए दीज प्रोसेस आर रिपीट अगेन एंड अगेन भी दीज प्रोसेस आर रिपीट अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस क्या होगा बार बार रिपीट होगा भी दीज प्रोसेस आर रिपीट अगेन एंड वी ऑब्टेन्ड आउटपुट भी नेक्स्ट टॉपिक लिखिए रिपल फैक्टर्स देखो इसमें रिपल फैक्टर क्या होता भाई जो आउटपुट मिली हमको रेक्टिफायर से वो प्योर डीसी नहीं थी उसमें कुछ कंपोनेंट एसी का भी था तो आउटपुट में कितना कंपोनेंट एसी का है ये बताएगा आपको रिपल फैक्टर्स में तो लिख लीजिए क्या होता है इट इज द रेशो ऑफ एसी कंपोनेंट रेशो ऑफ एसी कंपोनेंट टू डीसी कंपोनेंट इन आउटपुट रिपल फैक्टर्स क्या होता है किसका रेशो था एसी कंपोनेंट बाय डीसी कंपोनेंट्स में किसके अंदर आउटपुट्स के अंदर भी इस रेशो को बोलते हैं रिपल्स फैक्टर्स ठीक है सिंपल है लिखिए आगे इसमें लिखो भाई रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज 1.21 कितना वैल्यू होता है 1.21 एंड फॉर फुल वेव रेक्टिफायर इज 0.48 फुल वेव रेक्टिफायर इज 0.48 देखिए अच्छा कौन हमको आउटपुट में क्या चाहिए हमें प्योर डीसी चाहिए अभी जितना कम एसी होगा ठीक है ना उतना ही वैल्यू क्या होगा लेस देन वन आएगा अभी कर लोगे तो अच्छा कौन सा है ये वाला क्या दिखाता आपको कि ऊपर वाला फैक्टर ज़्यादा है इससे एसी ज़्यादा है डीसी से तो वैल्यू क्या आया है मोर देन वन ये क्या दिखा रहा है ऊपर वाला कम है नीचे वाले से तो ये वैल्यू क्या अच्छी है इससे ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है इसका एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर जब भी एफिशिएंसी निकालते हैं रेशो चेक करते हैं आउटपुट का और इनपुट का भी आउटपुट से पावर हो तो इनपुट पावर वोल्टेज हो तो इनपुट वोल्टेज करंट हो तो इनपुट करंट कर पाओगे तो लिख लीजिए क्या होता है इट इज द रेशो ऑफ आउटपुट डीसी पावर इट इज द रेशो ऑफ आउटपुट डीसी पावर टू इनपुट एसी पावर किसका रेशो है भाई एफिशिएंसी इसको ईटा से वर्ड से लिखते हैं हम लोग ये होता है आउटपुट में क्या आ रहा है डीसी बाय इनपुट एसी पावर किसका रेशो है आउटपुट डीसी पावर टू इनपुट एसी पावर हो जाएगा समझ में आ रहा है एनी प्रॉब्लम भाई परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी हो तो मैं आउटपुट पावर को पीओ ले लूँ भाई पी फॉर आउटपुट पी आई इनपुट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड्स इट इज़ अ परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द रेक्टिफायर ओके आगे इसी में
लिखिए फोर हाफ वेव रेक्टिफायर, फोर हाफ वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी इज 40.6% में, फोर हाफ वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी इज 40.6% एंड फोर फुल वेव रेक्टिफायर, एंड फॉर फुल वेव रेक्टिफायर 81.2% डबल होता है इसका भी।